दोस्तों आज के टाइम में डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह की सुविधा हमें बहुत आसान कर देती है हर चीज़ को, लेकिन जितना आसान है उतना ही यहाँ डेंजरस भी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी चूना लगाया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको यहाँ प्रूफ के साथ बताऊँगा किस तरह से पेटीएम के नाम से सेम आपको कन्फर्म हो जाएगा ये कि आप देखेंगे वास्तव में ये कहेंगे कि बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्रॉड है और कोई यकीन नहीं कर सकता कि बिल्कुल आसानी से आप किसी को भी चूना लगा सकते हैं, कितने भी ट्रांजेक्शन का आप चूना लगा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं बकायदा और आपके अकाउंट से कोई पैसा भी नहीं कटेगा। तो ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि आप अगर पेटीएम से आप भुगतान करते हैं तो उस तरह का आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा किस तरह से आपको पेटीएम सेम पेटीएम जैसी कंडीशन में आप किसी को भी चूना लगा सकते हैं। और ये मेरा उद्देश्य किसी को चूना लगाना नहीं है दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप किस तरह से इस फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरह से लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये पेटीएम पर जो फ्रॉड हो रहा है उससे बचने के लिए मैंने आपको यहाँ प्रूफ के साथ बताया है। तो ये एक ऐप है पेटीएम स्पूफ के नाम से, इसमें आप सेम जो आप पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं और जो ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है, जिसको आप अगर किसी दुकानदार से आप कुछ शॉपिंग करते हैं और उसको दिखाते हैं कि भाई मैंने आपको पेमेंट कर दिया है देख लीजिए, तो वहाँ आपको जो टाइमिंग कितना आपने ट्रांसफ़र किया है, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सारी चीज़ सेम आपको जैसे कि आप पेटीएम से करते हैं सेम हो वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, बल्कि आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटता है और आप इस तरह से दिखा सकते हैं, उसके सामने कर सकते हैं। ये इस तरह से फ्रॉड हो रहा है, तो आप मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए ये सारी चीज़ें किस तरह से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। दोस्तों इस ऐप में यहाँ टाइमिंग और जितना बैलेंस आपको ट्रांसफ़र करना है वो आप यहाँ सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको जो टाइमिंग है प्रेजेंट की वो भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, चाहे तो चाहे आप प्रेजेंट की जो टाइमिंग है वो लगा सकते हैं, टाइम भी आप आगे पीछे का कभी भी सेट कर सकते हैं, इसमें अमाउंट भी आप कितना भी सेट कर सकते हैं। और सेम आपको जैसे पेटीएम से आप ट्रांसफ़र करते हैं सेम वैसा ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और कस्टमर दिखा सकता है किसी भी दुकानदार को या जो भी कहीं आप ट्रांजेक्शन का भुगतान करते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से ये फ्रॉड हो रहा है, आप देख लीजिए। तो इससे बचने के लिए मैंने ये वीडियो आपको, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ये फ्रॉड से बच सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।